बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। अगर आपके नेल्स के ऊपर, नाखूनों के ऊपर सफ़ेद रंग के स्पॉट्स बन रहे हैं, तो क्या कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है? तो ये वीडियो फिर आपके लिए, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि नेल्स के ऊपर अगर आपके वाइट स्पॉट्स बन रहे हैं तो आपकी बॉडी में जिंक की कमी है। जिंक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में या मकदार में आपके जिस्म में मौजूद है, और जिंक एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जो आपकी बॉडी के मैक्सिमम जो रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म के दौरान, उसमें जिंक अपना किरदार अदा करता है। और जिंक की कमी आपकी बॉडी में अगर हो तो उसकी अलामत क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी है तो आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करेंगे, नींद की बहुत ज़्यादा कमी होगी, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, नाखूनों के ऊपर सफ़ेद रंग की लाइनें हॉरिजेंटल या वर्टिकल आना शुरू हो जाएंगी, स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, और आप मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों को, क्योंकि जिंक जो है वो आपके नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन अगर जिंक की कमी हो जाए तो आसाब जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। आजकल के दौर में आपने देखा होगा कि जिस तरह की डाइट ली जाती है, इसमें माएँ ख़ुद जिंक की कमी का शिकार होती हैं, जिसकी वजह से जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों को भी आगे वही प्रॉब्लम होती है। जिंक की अलामात को नोट कर लें कि ये बाल गिरते हैं, थकावट होती है, नींद बहुत कम आती है, और ज़ख़म बहुत देर से ठीक होते हैं ऐसे पेशेंट्स के जिनको जिंक की डेफिशिएंसी होती है। और जिंक एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है कि जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और ऐसे डिसऑर्डर्स, ऐसे प्रॉब्लम से लड़ता है जिसका और कोई हल नहीं होता। आपको याद होगा कि जब कोविड आया था तो हर पेशेंट को जिंक ज़रूर दिया जाता था, इसलिए दिया जाता था कि जिंक आपको सप्लीमेंट से उतना नहीं मिलता, जो आप खुराक ले रहे होते हैं उससे उतना नहीं मिलता, लेकिन फिर आपको सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं साथ। ये बात हो गई जिंक की। एक और आपको बात बता दूँ जो इसका एक क्रूशल फैक्ट है कि जिंक जो है वो बॉडी में स्टोर नहीं होता, वो आपकी बॉडी से वेस्ट हो जाता है, वो कहीं भी सेव नहीं होता। तो लिहाजा जिंक के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते रहना चाहिए। 70% जिंक जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। प्रोटीन आपकी जिस्म के अंदर, प्रोटीन जो आप खाते हैं, जो आप मीट की शक्ल में, नट्स की शक्ल में, दालों की शक्ल में, उसमें जब आप जिंक ले रहे होते हैं तो जिंक 70% जिंक उसके साथ अटैच होता है, फिर आपके जिस्म का हिस्सा बनता है, फिर आपको फ़ायदा देता है। तो ये चीज़ें, मेरी आज की वीडियो ख़ास तौर पे जिंक पे थी, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि अगर आपके नेल्स के ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे या वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं तो वो कैल्शियम की कमी नहीं है, वो जिंक की कमी है। जिंक जो है वो सी फूड्स, पम्पकिंस, नट्स, पिस्ता, काजू, इस किस्म की चीज़ों में पाया जाता है। और अगर आप इन चीज़ों से अपनी न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर सकते तो आपको ये चाहिए कि हर 2-3 महीने बाद जिंक का थोड़ा सा एक कोर्स कर लें, और ताकि आपकी बॉडी जो है वो मेंटेन रहे, जिंक के सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी को मिलते रहें। और इसमें होता ये है कि 10 मिलीग्राम डेली मर्दों की, मेल की खुराक है, 8 से 9 मिलीग्राम फीमेल्स की खुराक है। तो ये इतनी खुराक आप अपनी डाइट से नहीं ले सकते, तो लिहाजा सप्लीमेंट ज़रूर लें ताकि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, आने वाली बीमारियों के लिए आप पहले से तैयार रहें। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।